दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं समझता हूं कि ये अच्छा निर्णय है भारत सरकार का कि उन्होंने फैसला किया, शिक्षा मंत्रालय ने, कि जो दसवीं की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं उनको अब नहीं कराया जाएगा, वो कैंसिल कर दी गई। और उस के एवज में जो छात्र हैं जो बैठने वाले एग्जामिनेशन में, उनके मूल्यांकन के लिए एक अलग से पद्धति विकसित की जाए। 12वीं की जो परीक्षा है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है, तो संभव है कि उसके लिए फिर से तारीखें घोषित हों जब हालात ठीक हो जाएं। इसी तरह से कई और फैसले बड़े जो निजी क्षेत्र के हैं और शासन के हैं वो भी स्थगित किए गए, जिसमें काफ़ी भीड़ जिसमें होने की संभावना थी या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना थी। लेकिन आपने देखा कि कुंभ के बारे में ऐसा फैसला नहीं किया गया, और हम सब जानते हैं कि कुंभ का फैसला सिर्फ उत्तराखंड सरकार का नहीं था, उसमें केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से एक सलाहकार के रोल में, जो राज्य सरकार को सलाह दे सकती है, क्योंकि इस वक्त महामारी से जुड़े जितने विषय इस देश में हैं सबको एक तरह से सब पर एक अधिकार सा हो गया है केंद्र सरकार का, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के मसलों में अब महामारी को लेकर जो एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं हमारे यहाँ पैंडेमिक को रोकने के लिए, वो सारे के सारे एक्ट जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी भले ही कई जगह राज्य सरकारों की है, कई एक्ट्स की, लेकिन वहाँ यहाँ केंद्र से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब तरह का विरोधाभास है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर चुनाव, जब चुनाव का बिगुल बजा था, शुरुआत हुई थी, तो कोरोना जो है कोविड-19 की जो स्थिति थी वो थोड़ा सा मंद था, उसकी जो गति थी ऐसा लगता था कि हालात थोड़े सुधर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। और हालत ये है कि पिछली बार कोरोना ने जिस तरह से धमक दी थी, जिस तरह से उसका हमला हुआ था, उससे ज़्यादा तीव्रता के साथ इस बार माना जा रहा है डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, पूरी दुनिया भर के लोग जो देख रहे हैं कि ब्राज़ील, भारत और दूसरे और जो दुनिया के देश हैं किस तरह तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेहाली की तरफ जा रहे हैं, तो कोरोना इस बार जो सेकंड फेज कह लीजिए, सेकंड वेव कह लीजिए, वो ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा मारक है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था उसमें एक राज्य का चुनाव चूंकि 8 चरणों में घोषित किया गया, 8 चरणों में क्यों घोषित किया गया था वो एक अलग कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे वरना हमारा समय ज्यादा उसमें खप जाएगा, और पहले हम उस पर थोड़ी बहुत बातें कह भी चुके हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आने वाली बात लग रही है, और आपको भी शायद नहीं लगेगी, कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था भारत की, क्या वो एक समीक्षा बैठक करके 8 चरणों के चुनाव को 3 चरणों में ही खत्म नहीं कर सकता था? चौथा चरण तो हो गया, अब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कितना इंतजार कराएगा और कितनी भीड़ बटोरेगा? बड़े नेताओं को, पैसे वाली पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इस देश में, जो सबसे अधिक जिनके पास पैसा है, जिनके पास सबसे अधिक नेता हैं, जिनके पास सबसे अधिक घूमने का और रोड शो करने का कौशल है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए हो ये रहा है कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है बंगाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, यहाँ तक कि कई जगह तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की तमाम जो धाराएं हैं, तमाम जो प्रावधान हैं, उनकी धज्जियाँ वो बड़े लोग तोड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं धज्जियाँ, जिन पर इस देश में कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कराने की राजनैतिक जिम्मेदारी है, यानी वो इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। अब मेरा ये कहना है कि आखिर वो क्या स्थिति है कि हम इतने एक तरफा हो जाते हैं? अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ को तबलीगी जमात यानी मरकज का जो मामला था
पिछले साल उससे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, वो बिल्कुल अलग चीज थी, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री जी के कहने और मेरे कहने का एक फर्क है। अब आप कल्पना कीजिए, फरवरी मार्च की घटना है तबलीगी जमात की 2020 में, जब अभी कोरोना शुरू हो रहा था और अभी भारत में लॉकडाउन न घोषित हुआ था, न बहुत सारे प्रोटोकॉल डिक्लेयर किए गए थे, और फरवरी में जो लोग आए थे उनको तो मालूम भी नहीं था कि कोरोना वाकई भारत पर दस्तक देने वाला है। कुछ एक देशों में आ चुका था दुनिया के, लेकिन भारत में वो न केवल दस्तक देगा बल्कि तबाही की पूरी आंधी लेकर चला आएगा, ये तो उनको भी नहीं मालूम था, वरना वो क्यों आते अपना देश छोड़कर। और कुल मिलाकर 2020 के आसपास लोग थे, संभवतः 2020 या 2025 इसी तरह की संख्या हमको याद है कि उस समय मीडिया में आती थी। तो 2-1 हजार जो लोग आए थे विभिन्न जगहों से, कुछ देश के थे कुछ विदेश के थे, उनको सचमुच नहीं मालूम था कि हालात इस तरह हो जाएंगे और एक दिन लॉकडाउन घोषित हो जाएगा और वो दिल्ली के निजामुद्दीन के इलाके में फंस जाएंगे। लेकिन ये जो हरिद्वार में हुआ, जिसमें 20 लाख 25 लाख 28 लाख की संख्या आ रही है, जो फिगर्स आ रहे हैं मीडिया में, इनको सबको मालूम था कि कोरोना की जो स्थिति है भयावह है। और अनेक प्रदेशों में जहां उत्तराखंड में ये हो रहा है वहां भी स्थितियां खराब हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में खबर आई थी और भी बहुत सारे मंत्रियों के बारे में खबर आई थी अखबारों में, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जो विस्फोटक स्थिति है उसमें इतने बड़े समागम का होना और उसको डिफेंड करना, ये आश्चर्यजनक है। तो हमारा बस ये कहना है कि क्या हम धर्म धर्म में फर्क करते हैं? क्या हम अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने अपने धार्मिक स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ, इन सब में फर्क करते हैं? चुनाव और दूसरे कामों में क्यों फर्क करते हैं? क्या इसलिए कि चुनाव के बाद किसी बड़े सूबे की सत्ता मिलनी है और सत्ता मिलने के लालसा में आप सब कुछ हो करने को तैयार हैं? आप 8 चरण में, 10 चरण में, जितने चरण में चाहें उतने चरण में चुनाव डिक्लेयर कर देता है चुनाव आयोग। क्या लॉजिक है? कौन सी ऐसी लॉजिक है जो पूरी दुनिया के इलेक्शन एक्सपर्ट्स को आप कन्विंस कर सकें कि इन गर्मियों के दिनों में, जब इतनी महामारी इस देश में फैली हुई है, 8 चरणों में चुनाव कराया जाए? क्यों नहीं समेटा जा सकता है? सिर्फ अब तक अगर 4 चरण हुए हैं तो 1 चरण में क्यों नहीं, शेष 4 जो चरण के चुनाव लंबित हैं उनको 1 ही चरण में क्यों नहीं कराया जा सकता है? मुझे लगता है कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे देश में, चाहे हम साधारण लोग हों जिनको आम आदमी कहा जाता है, या जो विशिष्ट लोग हैं जो प्रशासन के बड़े ओहदेदार हैं या सरकार और सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं कहीं ना कहीं, और यहां तक कि जो संस्थाओं के मुखिया हैं बड़े बड़े, हम सबकी बात कर रहे हैं, केवल एक राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं धार्मिक समुदायों की भी बात कर रहे हैं, सबके जो शीर्ष पदों पर लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनको देश की, समाज की, आम आदमी का कोई मोह नहीं है, कोई उनके बारे में कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है सिर्फ अपने स्वार्थ, सिर्फ अपने फायदे, सिर्फ अपने संकीर्ण दायरे का, कि कैसे उसका बचाव हो, कैसे उसको मजबूत किया जाए और कैसे काबिज हो जाया जाए इस देश पर। सवाल इस बात का है कि जब देश बेहाल होगा, जब देश लहूलुहान होगा, जब देश का जितने बड़े शहर हैं उनमें श्मशानों में जगह नहीं मिलेगी डेड बॉडी जलाने की, ये किस तरह के देश को आप हासिल करेंगे? किस तरह के सूबों पर, किस तरह के क्षेत्रों पर, किस तरह के भूखंडों पर आपके राज की जो जगमगाहट है, आपके राज की जो चमक है वो चमकेगी? आप क्या होगा इसका? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय व्यक्तित्व में, हमारे भारत के एक भारत के लोगों के, खासकर जो बड़े लोग हैं, जो समाज को संचालित करने की जिन पर जिम्मेदारी है, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में, तो मीडिया के बारे में भी कह रहा हूँ, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, टॉप लेवल पर जो लोग हैं उसमें बड़े हिस्से के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक लघुता दिखाई दे रही है, लघुता जो उनको बड़े ढंग से सोचने, बड़े ढंग से करने से उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके शब्द में और उनके कर्म में, उनकी कथनी में और उनकी करनी में एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है।
दोस्तों एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी चर्चा का समापन भी, कि दुनिया का एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग जो हैं उन पर वहां की पुलिस ने एक बहुत हेवी फाइन किया है, मोटा फाइन लगाया है। आप जानते हैं क्यों? आपने हो सकता है अखबारों में खबर पढ़ी हो, इसलिए कि पीछे के फरवरी महीने में, यानी फरवरी इस साल के, उसमें उन पर है कि उनका 60वां जन्मदिन था और उस दिन किसी पहाड़ी क्षेत्र में अपने देश के वो किसी रिजॉर्ट में बैठ करके अपना जन्मदिवस मना रही थी, पार्टी कर रही थी। और पार्टी में कितने लोग थे? 13 लोग। और जबकि नॉर्वे में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है उसमें सिर्फ 10 लोग अलाउड हैं। यह खबर पुलिस को मालूम नहीं थी, किसी एजेंसी को नहीं मालूम थी कि मैडम प्रधानमंत्री जाकर वहां रिजॉर्ट में अपना जन्मदिन मना आई फरवरी महीने में। इसको एक्सपोज किसने किया, ब्रेकिंग न्यूज किसने दी? वहां के पब्लिक ब्रॉडकास्टर, यानी वहां के सरकारी टेलीविजन ने, जैसे अपने यहां का दूरदर्शन है, तो वहां के दूरदर्शन ने, जो नॉर्वे का जो टेलीविजन चैनल है सरकारी, उसने, पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने खबर दी कि मैडम प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। पुलिस छानबीन में लग गई कि भाई ये सही है खबर या गलत। खबर सही निकली, उसने फाइन किया। प्रधानमंत्री ने इसके पहले माफी मांगी थी कि 3 लोग बढ़ गए थे, गलती हो गई, मैं देश से माफी मांगती हूं, लेकिन फाइन कर दिया, बहुत बड़ा फाइन किया गया। वो फाइन पे करने जा रही है और वो माफी फिर मांग चुकी है। ये देश है नॉर्वे, डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। और महज ये संयोग नहीं है कि दुनिया के डेमोक्रेसी के ग्राफ में, इंडेक्स में, इस वक्त नॉर्वे नंबर 1 है। और यही नहीं, मीडिया फ्रीडम यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी वो 180 से ज्यादा मुल्कों की लिस्ट में नंबर 1 है। और हम जानते हैं कहां है, हम 180 से कुछ ज्यादा देशों में 142वें नंबर पर है। इंडिया, भारत, हम भारत के लोग 142वें नंबर पर हैं। और हम डेमोक्रेसी के ग्राफ में कहां हैं? 53वें नंबर पर हैं, 53। और दुनिया में संतुलित डेमोक्रेसी वाले देश कितने गिने गए हैं इंडेक्स के हिसाब से? सिर्फ 23। यानी हम 23 में नहीं आते जहां वाकई डेमोक्रेसी है। हमारी डेमोक्रेसी असंतुलित है, हमारी डेमोक्रेसी यानी बहुत कमजोर, या यूं कहा जाए कि असंतुलित किस्म की डेमोक्रेसी है, जो बहुत दरिद्र डेमोक्रेसी कह सकते हैं इसको, अपनी भाषा में, हम हिंदी में कहेंगे तो ये हालत अपने देश की है। तो ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे नेताओं के, हमारे प्रशासकों के, हमारे मीडिया के, हमारे समाज के अन्य हिस्सों के, कहीं ना कहीं वो हमें आदर्श नहीं पेश करती। और दोस्तों, जहां नेतृत्व आदर्श पेश करता है, वहां आम जनता के अंदर भी उन आदर्शों का एक तरह से प्रोजेक्शन होता है, उनके दिमागों में वो आदर्श बसते हैं और आम लोग भी फॉलो करते हैं। तो अपने देश में जब कहा जाता है कि उसको पीट पीट कर किसी को लहूलुहान कर देती है पुलिस सड़क चलते कि ये मास्क क्यों नहीं लगाया है, आप देख रहे हैं बंगाल में किन नेता बड़े बड़े कैसे जाते हैं बिना मास्क के, और हजारों की भीड़ कि मैं कैसे वो जा करके और लोगों के बीच से गुजरते हैं। तो आप कैसे आदर्श पेश करेंगे, कैसे लोगों का आचरण बदलेंगे, जब स्वयं आप आचरण के विरुद्ध काम करेंगे जो आचरण प्रोटोकॉल के हिसाब से तय किया गया है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी रही, इस देश का ये बड़ा दर्द कि ऊपर बैठे लोग हमारे आम लोगों के लिए आदर्श नहीं रह गए, और आदर्श नहीं होने से ये देश आदर्श होता जा रहा है, मूल्य खोता जा रहा है। एक हम केवल डेमोक्रेसी के मामले में नहीं, केवल फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में दरिद्र होते जा रहे हैं। एक ऐसा देश जिसे महान देश बनना है, जिसे वाकई हम विश्व गुरु बनना है, लेकिन हम तबाही में, मौतों के मामले में, बीमारी के मामले में हम विश्व गुरु बनने की होड़ ले रहे हैं। तो ये एक दुखद कहानी है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।